हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं आपको बहुत सुंदर फूल बनाकर दिखाऊंगी क्रोशिए से, और उस फूल को आप बेबी स्वेटर पर, फ्रॉक पर, शॉल पर, जैकेट पर कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर फूल है। आप पूरा वीडियो को देखिए, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा ये कैसे बनाया गया है। ये देखिए, पहले मैं 5 चैन बनाऊँगी यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, ये 5 मैंने ये 5 चैन बनाई हैं। इसको वापस इसी से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर जो आखिरी कुंडी होती है, इस कुंडी में इस प्रकार से डालकर हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। और यहाँ पर ये देखिए, अब हम 4 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 चैन बनाने के बाद ये देखिए आप कैसे करना है। क्रोशिए पर धागा डालिए और इसके बीच में से निकालिए ऐसे। इसको घटाना नहीं है, जैसे हम पहले चैन बनाते थे ऐसे नहीं करना है। इस प्रकार से हम 4 बार निकालेंगे। ये एक बार हो गया, ऐसे ही फिर दोबारा लपेटें और इसमें से फिर निकालें। 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार लपेटा और इसी होल में से फिर निकाल लिया। 3 बार हुआ और ये हो गया हमारा 4 बार। ऐसे लपेटा और ये इस प्रकार से निकाल लिया। ये देखिए, ये अब क्या करना है, इसकी पूरी गुच्छी बनानी है हमने। इस तरह से लेकर ऐसे सबका एक बार निकालना है और इस तरह से फिर इन दोनों को निकाल देना। इस तरह की गुच्छी इसमें बन जाएगी। फिर यहाँ पर ये देखिए आप क्या करना है, 3 चैन बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। 3 चैन बनाए और बगैर धागा चढ़ाए इसमें से, इस कुंडी में से डालेंगे इस तरह से, और इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पर। फिर 4 कुंडी बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। फिर वापस ऐसे ही इसी में डाल देंगे और इनको ज्वाइंट कर देंगे। अब देखिए आगे, 3 कुंडी बनाएंगे। 1, 2, 3। फिर वापस इसी में डालेंगे ऐसे। ये ऊपर का पार्ट बन गया हमारा और ये इस प्रकार से बनेगा। अब क्या करना है, 1, 2, 3, 4। 4 चैन बनाई, 4 चैन बनाकर यहाँ पर जोड़ना है ऐसे। ये हमारा एक पत्ती बन गया है। अब दूसरी पत्ती कैसे बनानी है, 1, 2, 3, 4। 4 चैन पहले बनाई, फिर जैसे इसमें एक गुच्छी बनाई गई थी उसी प्रकार से अब फिर गुच्छी बनानी है। ऐसे धागा चढ़ाया और इसमें होल में से इस प्रकार से ले लिया। इसको ढीला रखना है और आप चाहें तो इस चैन के बराबर ही रखें, क्योंकि इसके बराबर ही रखने से इस गुच्छी का लेवल बराबर रहेगा। फिर दोबारा ऐसे ही धागा चढ़ाया और फिर इसी में फिर डाल दिया ऐसे। फिर तीसरी बार ये, फिर चौथी बार ये देखिए, 4 बार हो गया। 4 बार करने के बाद अब इसको एक कर देंगे ऐसे। इनको एक बनाकर फिर ये एक इस चेन का है हुक, एक अभी निकाला है, इन दोनों को एक करेंगे ऐसे। फिर जैसे ये ऊपर का
जैसे ये ऊपर का पार्ट बनाया है ऐसे ही फिर बनाना है। एक दो तीन, तीन चेन बनाई और इस में होल में डाल दी ऐसे। फिर चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन ये चार, फिर इसमें फिर डाल दें और इनको अच्छे से लॉक कर दिया यहाँ से। फिर अब तीन बनाएंगे, दो तीन, फिर ऐसे ही यहाँ पर फिर डाल देंगे। ये देखिए कितना सुंदर पार्ट बना है। और अब फिर दोबारा चार चेन बनाएंगे, दो तीन चार, चार चेन बनाकर यहाँ पर जोड़ देंगे ऐसे। ये हमारी दो कलियाँ बन गई। इस प्रकार से आप पांच कली भी डाल सकते हैं, इसमें छह भी डाल सकते हैं या चार भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी प्रकार से बनाते जाएं। और ये बनकर फिर देखिए किस प्रकार से तैयार होता है। ये बनकर इस प्रकार से हमारा फूल तैयार हो जाएगा। ये मैंने पांच पार्ट बनाए हैं इसके। ये देखिए कितना सुंदर फूल बना है। और इस फूल को आप कहीं भी लगा सकते हैं, बच्चे के स्वेटर पर, कैप पर, फ्रॉक पर, आप शॉल पर भी लगा सकते हैं। ये कितना सुंदर फूल है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी प्रकार से बनाते रहिए।